नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ एक बार फिर से आपका प्लैनेट्स एंड हाउसेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉन ज़ोडियक साइन वाले सभी दोस्तों के लिए वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका करियर और एजुकेशन कैसे रहने वाला है और आपका जॉब और बिजनेस भी कैसा रहने वाला है। हम इन सभी एरियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ग्रह गोचर यानी कि प्लैनेटरी ट्रांजिट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला हूँ। हम सीधा बात करेंगे कि इन सभी के प्रभाव से आपका जो वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है। तो आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं वर्ष 2019 की शुरुआत में आपकी कुंडली कैसी दिखेगी। दोस्तों, 2019 की शुरुआत धनु राशि में शनि वृश्चिक राशि में गुरु से होगी और 6 मार्च को राहु मिथुन राशि और केतु धनु राशि में होंगे। 29 मार्च को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश करके 23 अप्रैल को वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और एक बार फिर बृहस्पति 5 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शनि भी 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक वक्री रहेंगे यानी रेट्रोग्रेड रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे। और राहु 7 मार्च से 6 भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु 10 भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, वर्ष 2019 एक्स्ट्रा इनकम और पोजीशन के हिसाब से आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि गुरु 11वें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और अपनी पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को अपनी राशि मीन में देख रहे हैं। इस राशि परिवर्तन की वजह से आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम मतलब कि अतिरिक्त आय के साधन भी जुटेंगे और यह आपको अच्छी पोजीशन भी देने वाला है। आप पाएंगे कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने ऑफिस कलीग से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है और आपके कार्य की जो सराहना भी हो रही है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह से आप अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस करने वाले हैं। तो बस अपनी एकाग्रता और अपने काम को इसी तरीके से बनाए रखें। दोस्तों, मार्च 2019 में केतु जो है वह द्वादश भाव में गोचर करेंगे और जहाँ पर पहले से ही द्वितीय भाव मतलब धन भाव के स्वामी और आपके लगन के स्वामी शनि पहले से ही वहाँ पर विराजमान है, तो जिसकी वजह से वह हो सकता है कि आप जिस भी काम में या जिस भी बिजनेस में हैं उसमें आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट कराएं, पर आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया कि एकादश भाव मतलब लाभ स्थान में गुरु अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और यहाँ से वह अपनी पंचम दृष्टि से आपके तृतीय स्थान को यानी कि प्राक्रम स्थान को देख रहे हैं और अपनी ही राशि मीन राशि में देख रहे हैं, तो यह बात तो तय है कि वह आपको लाभ देंगे। बस शनि ये चाहते हैं कि उस लाभ को पाने के लिए आप थोड़ा प्रयत्न ज़रूर करें। फ्रेंड्स, यदि आप बिजनेस में हैं और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी सलाह है कि बेवजह किसी भी तरह के कलह से बचने के लिए हर तरह की लिखा पढ़त अपने पार्टनर के साथ जरूर करें और यदि कोई लेन देन संबंधित विषय है तो उसके बारे में भी पूरी क्लैरिटी जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि जो राहु अपने इस 6 भाव के योग से आप दोनों के बीच में किसी तरह का मतभेद पैदा कर दे, तो इसलिए स्नेह बनाए रखें और जो भी आपसी मतभेद हैं उन्हें बातचीत के माध्यम से जरूर दूर करें। इस वर्ष आप अपने परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारियां भी ले पाएंगे और उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि गुरु जो है वह एकादश भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में है, तो वह बाध्य हैं आपको लाभ देने के लिए, बस आपको अपने थोड़े से प्रयास बढ़ाने होंगे। इस वर्ष आप शिक्षा और करियर को लेकर भी काफ़ी उत्साहित रहने वाले हैं और आपको जो भी करियर आपने चुना है उसमें काफ़ी लाभ मिलने वाला है और स्टडी के हिसाब से भी देखें तो वर्ष 2019 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु अपने जो एकादश भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र मंगल की राशि में, वह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखते हैं, तो राशि परिवर्तन योग की वजह से जो है गुरु यहाँ पर भी आपको लाभ जरूर देंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु और केतु मार्च में राशि परिवर्तन करने वाले हैं
और पर मार्च से पहले राहु जो है वह आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे और केतु जो है वह आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि वह अपना प्रभाव यहाँ पे पहले से ही छोड़ चुके हैं। तो अब आपको उस प्रभाव को हटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी मतभेद हैं उनको संयम पूर्वक बातचीत के माध्यम से दूर करना होगा, वरना बाद में, क्योंकि गुरु जो राहु हैं वह छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यदि आपने उन मुद्दों को सुलझाया नहीं तो ये समस्याओं को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए पूरी क्लैरिटी बनाए रखें। यदि किसी भी तरह का मतभेद आप महसूस कर रहे हैं या आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसके प्रति आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको आप आगे बढ़िए, उस विषय में बात करिए। आप देखेंगे कि बातचीत के माध्यम से वह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब वर्ष 2019 में आपके लिए एक विशेष टिप, प्लीज़ अपने किसी भी बड़े अधिकारी, अपने बॉस से किसी भी तरह की बहस में ना बचें, और यदि आप मैनेजमेंट में हैं तो प्लीज़ अपना जो डाटा है उसे दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अब उस डाटा को लेके आप थोड़ी सी समस्या महसूस करें। तो आप जो भी चीज़ मैनेज करते हैं तो अपना जो भी डाटा है, जो भी आप चीज़ मैनेज करते हैं तो उसको पूरी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग रह गई हैं और समय ना होने के कारण आप उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी चीज़ें जो हैं वो क्रॉस चेक हो सकती हैं और आपको हो सकता है इस वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़े। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई हॉबी है जिसे समय की कमी के कारण आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी टाइम से उस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वर्ष 2019 उस चीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अपने लिए समय थोड़ा सा निकालें और अपनी जो भी हॉबी है उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो अपने लिए समय ज़रूर निकालें और आप जो करना चाहते हैं उसे ज़रूर करें। तो कुल मिलाकर वर्ष 2019 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस मैंने वीडियो में जो बातें बताई हैं आपको उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे भी मेरे साथ साझा ज़रूर करें, ताकि मैं अपने आने वाले सभी वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का तुरंत पता चल जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।